फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पहले से कर्ज के जंजाल में जूझ रहे किशोर बयानी के लिए नया साल नई मुसीबत लेकर आया है। किशोर बयानी के लिए नए साल का पहला दिन ही टेंशन वाला रहा। दरअसल शुक्रवार को फ्यूचर रिटेल बैंकों के 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर पाई। ये सेंट्रल बैंक्स की तरफ से वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम यानी OTR के तहत किए जाने वाला पेमेंट था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में फ्यूचर रिटेल और बैंकों के बीच OTR स्कीम पर सहमति बनी थी। इसके तहत ग्रुप को 3,000 करोड़ रुपए का वन टाइम पेमेंट करना था। इसके लिए कंपनी देश भर में अपने 900 रिटेल स्टोर्स को बेचने वाली थी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच 29 अगस्त 2020 को 24,713 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसके तहत वे अपने रिटेल स्टोर्स को रिलायंस को बेचती, लेकिन अमेजोन के विरोध के बाद ये डील नहीं हो पाई। फिलहाल अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच कई अदालतों में ये मामला अभी भी चल रहा है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को पूरी हो रही है। उससे पहले फ्यूचर ग्रुप चाहकर भी अपने रिटेल स्टोर्स यानी बिग बाजार को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकती। फिलहाल 3000 करोड़ के वन टाइम पेमेंट को लेकर किशोर बयानी के ग्रुप को एक महीने का ग्रेस पीरियड मिला है, यानी ये डेडलाइन 30 जनवरी 2022 को खत्म होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो बैंकों को इस अकाउंट को NPA घोषित करना होगा। इसके साथ ही बैंक OTR के कंडीशन को भी वापस ले लेंगे। फ्यूचर रिटेल पर बैंकों का भारी भरकम कर्ज बकाया है। फ्यूचर रिटेल ने बैंकों से कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया हुआ है। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का लोन करीब 6,200 करोड़ रुपए का है और फॉरेन करेंसी बॉन्ड 3,500 करोड़ रुपए का है। इसमें विदेशी करेंसी बॉन्ड का ड्यू डेट ऑफ पेमेंट साल 2025 में है। इसके अलावा कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है। इधर रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच की मल्टी लेयर डील अभी अधर में है। अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने इस डील का विरोध किया है। अमेजोन का कहना है कि उसका फ्यूचर कूपन्स के साथ पुराना करार है। ये डील फ्यूचर ग्रुप को अपने रिटेल बिजनेस को किसी भी कंपनी को बेचने से रोकती है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। इससे पहले 17 दिसंबर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने अमेजोन को एजेंसी को बहकाने के कारण लताड़ भी लगाई थी। इससे फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।